जबलकोट परिसर के बाहर शुक्रवार को दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामले की सूचना पाते ही नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष के आरोपियों को पूछताछ के लिए अपने साथ नगर थाना ले गई। मामले को लेकर बताया गया कि पहले पक्ष की महिला पपरवा टांग निवासी है, वहीं दूसरा पक्ष बिहार का निवासी है और वह चेक बाउंस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा हुआ था। बताया गया कि दूसरा पक्ष बिहार निवासी अपने भाई के साथ 5 साल पहले गिरिडीह के पपरवा टांग में रहता था। इस बाबत पहले पक्ष की महिला ने बताया कि 5 साल पहले मदद के थोड़ी थोड़ी रकम मिलकर 2 लाख रुपए दिए हैं, जिसके बाद यहां रहने के लिए छोड़ दिया। महिला ने बताया कि दोनों अपने नानी के घर रहता था, उसी समय हेल्प और कमिटी कहकर पैसा दिए थे जो बिना लौटाए चला गया। इधर दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि जब यहां रहते थे उस समय पैसे की लेन देन होती थी, लेकिन गिरिडीह छोड़ने के पूर्व सारा पैसा हमने लौटा दिया, लेकिन अब महिला द्वारा बिना मतलब का टॉर्चर कर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा लेकर भाग गया है। उन्होंने कहा कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। हम एक मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हुए थे, इसकी जानकारी किसी तरह शायद महिला को हुई, जिसके बाद मारपीट करने के लिए कोर्ट पहुंच गए। फिलहाल मामले को लेकर नगर थाना पुलिस अपने स्तर से दोनों पक्ष से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग उसको बोल रहे थे हम लोग को पैसा कब देगा वापस, तो बोल हम लोग पैसा नहीं लिए। कितना पैसा लिया? क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख, फिर कमेटी कहता था उसमें लिया है। तो अभी क्या बोल रहा है, इसका क्या कहना? नहीं लिए हम पैसा। तो आप लोग केस किए हैं? बोले क्या प्रूफ है, प्रूफ है तो केस। कहाँ के रहने वाले आप? जिसको दिए वो कहाँ के रहने? वो पपाटर अपना नानी घर में रहता था, उसका घर है बिहार मुजफ्फरपुर में घर है उसका। ओ, तो आपके यहाँ रहता था उस समय लिया था पैसा? हाँ, अभी 5 साल पहले भाग गया है। 5 साल के पहले का पैसा का लेन देन था, सब हो गया, लेकिन ये सब फिर से जोर लगा कि ना मेरा पैसा लेके भागा है, वो आदमी है नहीं रहता, चला गया आदमी दूसरा जगह काम करने, बोले कि नहीं पैसा लेके भागा, सब कुछ दिखा नहीं रहे, बिना मतलब हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं। क्या चीज के लिए पैसा दिए थे? पैसा यहाँ पर रहते थे भैया, मतलब लिए थे क्या पैसा? हाँ, लेन देन चलता था, जब चले गए यहाँ से तब ठोक दी उल्टा की पैसा लेके भाग गए सब। आप पैसा लिए हैं? नहीं लिए, अभी तो कचाई कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, कितना पैसे बोल रही है? ये है, वो 9 लाख का लगा रही है, पता नहीं कितने का बोल रही है, मतलब झूठा आरोप। सब झूठा है, सबूत है। आपका घर कहाँ? मेरा घर मुजफ्फरपुर। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ हम लोग आए हैं, मामा है यहाँ। ना रहते थे कहाँ पे? यहाँ पे जो यहाँ नहीं रहते, भैया रहते थे 25 साल तक यहीं रहे। आज क्या कर, आज कौन काम से आया था? आज अभी कोर्ट में आया, कोर्ट में से निकले, ये लोग मारपीट चालू करके 10-12 लग के और सब भाग गया, 2-3 दिन में मारपीट चालू। कौन केस में आए थे कोर्ट में? ये चेक बाउंस का, चेक बाउंस का आरोप लगाइए। महानगरों के शिक्षा का स्तर अब गिरिडीह में भी। जी हां, कोट रोड के मंगलम मॉल में स्थित विक्रमादित्य क्लासेस में आईआईटी मेडिकल एमपीएससी ओलंपियाड की परीक्षा के लिए आईआईटी व एलएन कोटा से आई टॉप ग्रेड फैकल्टी के द्वारा उच्च स्तरीय तैयारी करवाई जाती है। यहां स्टैंडर्ड 8 से स्टैंडर्ड 12 के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। यहां छात्रों को फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। जब घर में इतनी सुविधा है तो बाहर क्यों जाना। इस कोचिंग में पढ़ने का शानदार कॉम्पिटिटिव माहौल है। यहाँ छात्रों को सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए क्लासेस दी जाती है। यहाँ हर संडे छात्रों का टेस्ट लिया जाता है, यानी कि यहाँ छात्रों को बहुत ही मेहनत से तराशा जाता है ताकि छात्र जीवन में बहुत ही बेहतर लक्ष्य को हासिल कर सके। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाए। अधिक जानकारी के लिए मिले या कॉल करे। पता नोट कर ले, विक्रमादित्य क्लासेस मंगलम मॉल सेकंड फ्लोर कोट रोड जिला परिषद के सामने और पचम्बा रोड मारुति शोरूम के सामने बोड़ो गिरिडीह।